स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे भारतीय महान सामाजिक विचारक जी एस घुरिए का पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिए है। जी एस घुरिए का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिए। गोविंद सदाशिव घुरिए को भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम भारत में समाजशास्त्र की नींव रखने का श्रेय जो है वो गोविंद सदाशिव घुरिए को ही जाता है। इस महान सामाजिक विचारक का जन्म 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। शिक्षा में बहुत ही ज्यादा होशियार या इंटेलिजेंट रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय की स्थापना जो है गोविंद सदाशिव घुरिए ने ही की। प्रोफेसर घुरिए जो है 1918 में उन्होंने संस्कृत में और उसके बाद गोविंद सदाशिव घुरिए ने अंग्रेजी में एमए स्वर्ण पदक प्राप्त करके किया, यानी घुरिए ने संस्कृत और इंग्लिश में एमए में अच्छे अंक प्राप्त किए कि उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। कब? 1918 में संस्कृत और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1919 में महान समाजशास्त्री गेट्स को महाराष्ट्र के यानी बंबई के एलिफ्स्टन कॉलेज में समाजशास्त्र के लेक्चर के लिए बुलाया गया। किन्हें? पैट्रिक गीट्स को। सन 1919 में अमेरिका से बंबई के एलिफ्स्टन कॉलेज में समाजशास्त्र के भाषण के लिए बुलाया गया। तो उस समय जो जी एस घुरिए थे वो वहां पर संस्कृत के प्राध्यापक थे। जब पैट्रिक गिब्स समाजशास्त्र के ऊपर अपने लेक्चर दिया करते थे तो उस समय घुरिए जो थे उनके लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। इस वजह से पैट्रिक गिब्स ने ब्रिटिश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रशिक्षण के लिए घुरिए को भेजने के लिए उनका चयन किया कि उन्हें ब्रिटिश भेजकर समाजशास्त्र का प्रशिक्षण दिया जाए। उनकी सिफारिश पर बंबई विश्वविद्यालय ने घुरिए को लंदन भेजा। कुछ समय तक घुरिए प्रोफेसर हॉब हाउस के साथ अध्ययन करते रहे।
पश्चात उन्होंने अपना जो शोध कार्य है वो प्रोफेसर आर एच रिवर्स के निर्देशन में प्रारंभ किया। उन्होंने अपना जो शोध कार्य है वो डॉक्टर आर एच रिवर्स के निर्देशन में प्रारंभ किया, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे, और वहीं पर उन्होंने रिवर्स के सानिध्य में रहकर या रिवर्स के निर्देशन में रहकर उन्होंने एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट नामक जो पुस्तक थी उनकी रचना की, यानी इस विषय पर उन्होंने जाति का प्रजातीय सिद्धांत, हिंदी में क्या कहेंगे, जाति का प्रजातीय सिद्धांत, इस विषय पर उन्होंने अपना शोध निर्देशन जो है प्रोफेसर आर एच रिवर्स के अंडर में प्रारंभ किया। सन 1923 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो गई। कब? सन 1923 में। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, गोविंद सदाशिवपुरी को 1923 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। 1924 में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के 1924 में बंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के रीडर व प्राध्यापक बने। 1934 में उन्हें बंबई विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। कब? 1934 में उन्हें प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया, और साथ ही साथ 1934 के बाद वह 1959 तक, जब तक सेवानिवृत्त हुए तब तक वह बंबई विश्वविद्यालय में ही कार्य करते रहे। गोविंद सदाशिव भूरिये ने लगभग 25 पुस्तकों की रचना की, साथ ही साथ उन्होंने 800 एमए के छात्रों को शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित किया या उनको शोध कार्य करवाया, और 87 छात्रों को उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हेतु निर्देशित किया। प्रोफेसर भूरिये जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945 से लेकर 50 तक 1950 तक गोविंद सदाशिव भूरिये जो हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के अध्यक्ष रहे। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। कौन सी सोसाइटी की स्थापना की? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, और किसके अध्यक्ष रहे? एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के अध्यक्ष रहे। गोविंद सदाशिव भूरिये ने 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका, क्या है ये सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन जो है गोविंद सदाशिव भूरिये ने 1952 में प्रारंभ किया, जो कि विश्व की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है। गोविंद सदाशिव भूरिये की सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका जो है वो विश्व की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है। 1956 तक वह इसके अध्यक्ष रहे। 1952 से लेकर 1956 तक वह सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका का जो प्रकाशन होता था
उसकी वे अध्यक्ष रहे। गोविंद सदाशिव भुरी जो है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने 25 से ज्यादा पुस्तकों की रचना की, उनमें उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती है उनमें है अनुसूचित जनजातियां अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जाति वर्ग और व्यवसाय, कास्ट क्लास इन इंडिया, इंडियन साधुस, भारत में सामाजिक तनाव, संस्कृति और समाज, गॉड्स एंड मैन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन इत्यादि पुस्तकें जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। गोविंद सदाशिव भुरी जो है इतनी पुस्तकों की रचना करने की वजह से साथ ही साथ सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका के अध्यक्ष रहने की वजह से ही पूरे विश्व में ही नहीं भारत में भी समाजशास्त्र के एक महान समाजशास्त्री कहे जाते रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो समाजशास्त्री चिंतन है, समाजशास्त्री पुस्तकें जो हैं वर्तमान में भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती।